सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। हम अक्सर ही आपसे मुखातिब होते हैं, मुझे नहीं मालूम कि कितनी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं कितनी ख़राब लगती हैं, पर मेरी कोशिश ये रहती है कि हम सत्य बताएं। और ये सत्य की कोशिश जो है ये मेरी पिछले 40 साल से चल रही है। सरकारें आती जाती रहती हैं, हम उससे नहीं दिखते हैं, और जो सत्य बताते हैं वो अकाट्य होते हैं, उनमें कोई भी एक भी आंकड़ा गलत नहीं होगा, और वो सरकारी तथ्यों पे ही होते हैं या मकबूल संस्थाओं के स्टडीज़ पे होते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे चौंकाने वाली चीज़ें बता रहा हूँ जो अक्सर बताता हूँ, पर आज की वेदना मेरी बिल्कुल अलग है। विश्वास नहीं होता, हम प्रजातंत्र हैं, 70 साल से प्रजातंत्र हैं, भारत के संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग वोट देते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें बनती हैं, और गरीबी हटाओ से ले के भारत महान तक हम एक अजीब सी हिलोरों में अपने को गोते लगाते रहते हैं। एक अजीब सा विरोधाभास आप देखेंगे और तब आप चौंक जाएंगे। आप किसी भी भाव के हों, मुझे नहीं मालूम है कि आप धुर राष्ट्रवादी हैं, धुर वामपंथी हैं, आप क्या हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमारे जो फैक्ट हैं इनको हमने जक्स्टापोज किया है, नज़दीक एक दूसरे को रखा है, जो सरकारी आंकड़े हैं या मकबूल संस्थाओं के हैं, जैसे WHO के आंकड़े हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े हैं, UNDP के आंकड़े हैं, हम यही देते हैं, और ये आंकड़े भारत सरकार ने ही उनको दिए होते हैं जिसके बेसिस पे वो एनालिसिस करते हैं। यही एनालिसिस हम कर रहे हैं दो तथ्यों को आपके सामने रख के। आज एक रिपोर्ट आई है जो हर साल आती है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूची। इसमें हम 117 देशों में दुनिया के जो भूखमरी के शिकार हैं कमोबेश, इसमें हम 102 नंबर पे हैं, 102 नंबर पर हैं। एक्सट्रीम हंगर का केस है हमारा, भयंकर भूखमरी, जिसमें कि रवांडा वगैरह वगैरह ऐसे देश होते हैं, हम उसमें हैं। 70 साल से हम सरकारें चुन रहे हैं, 70 साल से हम प्रजातंत्र की लहरों में हिलोर ले रहे हैं कि भारत महान, हमारी फंडामेंटल राइट्स महान, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि हम आज रवांडा के आसपास हैं। हमसे बेहतर पाकिस्तान, एक क्वांटम जंप लिया पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों में। 2015 में हम 93वें स्थान पे थे इसी 117 देशों में, 193वें स्थान पे थे, और आपको ताज्जुब होगा तब पाकिस्तान 106 पे था। आज पाकिस्तान 93वें स्थान पे है, माफ़ कीजिएगा 94वें स्थान पे है, और हम 102 स्थान पे हैं। भूखमरी हमने ख़त्म नहीं की, पाकिस्तान ने कर दी। पाकिस्तान 2016 तक 106 नंबर पे था, लेकिन एक क्वांटम जंप लिया, इतना बड़ा जंप मुझे याद नहीं आता है कि पाकिस्तान ने पहले कभी लिया हो। 106 नंबर से पाकिस्तान 94 नंबर पर आ जाना, क्या ये आपको सहज लगता है? कहीं ना कोई वहां पे काम हुआ होगा। और हम 93 नंबर पर थे और आज हम 102 नंबर पर हैं। अब इसी के बगल में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारे हमसे काफी ऊपर है। आपको ताज्जुब होगा सुन के, श्रीलंका जो कि अभी 2015 में 88th नंबर पे था, हमसे बेहतर तो तब भी था, लेकिन 88वें नंबर पे था, वो 86वें नंबर पर आ गया है, 66 नंबर पे, 66वें नंबर पर आ गया है। 20 खाने का जंप उसने लिया है इन 3-4 सालों में। हम कर क्या रहे हैं? हमारे पास भूखमरी की अगर ये हालत होगी कि हम रवांडा
और इस तरह के युगांडा ऐसे देशों के आसपास होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि 70 साल में प्रजातंत्र कहीं हमने गलत तो नहीं हासिल कर लिया है। 5 साल से एक सरकार थी और उसको ज़्यादा वोट दे के हम लाए हैं, और फिर ये किसी एक सरकार का नहीं है, ये किसी मोदी सरकार का, किसी भाजपा सरकार का नहीं है, इसके पहले भी सरकारें रही हैं और किसी ने नहीं किया। अब आपको हम इससे ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं, और तब आप सोचिएगा, जब शांत होकर अपने घर में सोचिएगा, ये भूल जाइएगा कि मैंने किसका विरोध किया है, किसका वो किया है। एक अनबायस जर्नलिस्ट का ये कर्तव्य होता है कि सरकार की गलतियों को वो बताए, और ये हम 10 साल पहले भी बता चुके हैं, 6 साल पहले भी बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं। तो एक तो ये है कि भूखमरी हमारी भयंकर हो गई है और हम 102 पायदान पे हैं 117 में दुनिया के देशों में। अब जरा विरोधाभास देखिए, 2 दिन पहले ये पता चला कि भारत की ही सरकार के खाद्य मंत्रालय ने, फूड एंड कंपनी अफेयर्स ने, एक SOS भेजा है। SOS भेजा जाता है जब जहाज डूबने लगता है, सेव आवर सोल ये कहा जाता है, जो भी जहां हो वहां से मदद करे। तो भारत सरकार की एक मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को भेजा है, और ये दूसरी चिट्ठी है। एक चिट्ठी पहले भी भेज चुका है 6 महीना पहले, विदेश मंत्रालय ने ध्यान नहीं दिया। अब जो दूसरी चिट्ठी भेजी है, उसमें उसने लिखा है कि भाई हमारे पास इतना अनाज पड़ा हुआ है कि कुछ गरीब देश तलाशो, सुपात्र देश हों, जिनको कि हम मानवता के आधार पर यह अनाज फ्री में दे सकें, मुफ्त में दे सकें, ऐसे कुछ देश तलाशो। विदेश मंत्रालय से कहा जा रहा है कि कुछ गरीब देखो जो भुखमरी के शिकार हों, ऐसे हों जिनको कि हम मुफ्त में दे सकें, हमारे पास गोदाम नहीं है, हमारे पास खर्च इसके रखने रखाव का ज़्यादा आ रहा है। और आप जानते हैं कितना है, फूड ग्रेन रिजर्व लेवल होता है, हर महीने का एक लेवल मुकर्रर किया गया है, वो कितना जनता को ज़रूरत पड़ती है, इसका एक रिजर्व का बनाया गया है, रिजर्व लेवल बनाया गया है। आप ताज्जुब करेंगे, जुलाई 1 को हमारा फूड ग्रेन रिजर्व होना चाहिए था 41 मीट्रिक टन, और सितंबर 1, अभी जो पिछले महीने सितंबर था, उसमें ये फूड ग्रेन रिजर्व 30 मिलियन टन सिर्फ होना चाहिए था, क्योंकि नई फसल आ रही है, इसको भी रखना है हमें, और नई फसल किसानों से अगर हम नहीं लेंगे तो आप नाराज़गी जानते हैं, क्योंकि MSP तो आप बढ़ा देते हैं चुनाव आने पर, लेकिन फिर फसल नहीं लेते किसानों की। तो MSP जो आपने दिया, उस पर किसान आपको नई फसल लेके आ रहा है, धान कटने जा रहा है, और उसके बाद कुछ ही महीने बाद गेहूं आ जाएगा। और आप जानते हैं कि 30 मिलियन टन का रिजर्व लेवल का जो है, जो कि अक्टूबर में आके और कम हो गया होगा, हमारे पास था कितना भारत में, 2.5 गुना ज़्यादा, 67 मिलियन टन हमारे खाद के गोदामों में पड़ा हुआ है, जबकि हमें सिर्फ 30 मिलियन टन रखना चाहिए था। हमारा अनाज कोई लेता नहीं, भारत सरकार ने कोशिश किया इसको खुले में बेचे, वो भी किसी ने नहीं लिया। लेकिन ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज से कुछ साल पहले कहा था कि इनको गरीबों को बांट दो, अगर इफरात हो गए हैं, सड़क पे फेंके जा रहे हैं, सड़ रहे हैं, और अफसर चूहे खा रहे हैं, या अफसर चूहे नुमा अफसर खा रहे हैं, अगर ये स्थिति है तो इनको कम से कम गरीबों में बांट दो, नहीं बांटा गया। और आज हम दुनिया में गरीब तलाश रहे हैं जिनको कि ये हम मुफ्त में दे सकें, जबकि भारत की स्थिति, ताज़ा जो स्थिति है, हम भूखमरी के एकदम उसी हालत में हैं, जो बल्कि पहले से बढ़ गए हैं। 4 साल पहले हम 93 स्थान पर थे और हम 102 पे आ गए हैं। क्या ये आपको सालता नहीं है, क्या आपको चिंतित नहीं करता है, क्या आपको बेचैन नहीं करता है? अच्छा लगता है भारत महान, अच्छा लगता है जब ये कहा जाता है कि राष्ट्रवाद है, हम राष्ट्र के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन तब होती है जब 4 साल में, 2015 में अगर हम 93वें स्थान पे थे, तो वजह क्या है कि हम 102 स्थान पे खिसक के चले गए और रवांडा और युगांडा के आसपास हैं? क्या वजह है? दक्षिण यमन और उत्तरी यमन के नज़दीक हैं, वजह क्या है?
सिर्फ वजह यह है क्या सरकारें सोच रही, और ये किसी एक सरकार का नहीं, ध्यान रखिएगा, यही अनाज पहले भी भूखमरी थी, पहले भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, हम हमेशा एक्सट्रीम हंगर में रहे हैं, उसी कैटेगरी में रहे हैं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा 2011 में भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी और उसने भी बेचा था, उसने भी गरीबों को ऐसे ही दिया था, अफगानिस्तान को दिया था, अफगानिस्तान को उन्होंने फ्री में, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा था, 2 लाख 3 लाख था। आज जो सरकार की अपील है, खास करके खाद्य मंत्रालय की, विदेश मंत्रालय से, कि साहब बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है, हम किसी तरह इसको निकालना है, आप जरा सोचिए कि 30 मिलियन टन के फूड ग्रेन रिजर्व के बरक्स हमारे पास 67 मिलियन टन अनाज पड़ा हुआ है, जिसको कि हम 6,70,00,000 टन कहते हैं हिंदी में। हमें सिर्फ 3 करोड़ टन होना चाहिए था और हमारे पास है 6,70,00,000 टन। ये किसकी नालायकी होगी? हमारा गरीब गरीब होता जा रहा है, भूखों पेट बांध के वो नारे लगाता है भारत माता जिंदाबाद, लेकिन हम तलाश रहे हैं दुनिया में उन गरीबों को जिनको कि ये मुफ्त में हम अनाज दे सकें। क्या ये आपको अच्छा लगता है? आप किसी भी विचारधारा के हों, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये 2 तथ्य, और ये तथ्य किसके हैं? ये भारत सरकार ने कि एक मंत्रालय ने दूसरे मंत्रालय से अपील की है, ये एक तथ्य है। और दूसरा तथ्य है कि हमारा फूड ग्रेन रिजर्व 67 मिलियन टन, 6,70,00,000 टन इस समय है, जबकि 3 करोड़ होना चाहिए, बल्कि 3 करोड़ से कम अक्टूबर आ गया है, अब तो इससे भी लगभग खत्म होना चाहिए था, क्योंकि नई फसल आ रही है, चावल भी पड़ा है, गेहूं भी पड़ा है, इफरात पड़ा है, किसान हमारा अन्नदाता जिसे हम कहते हैं बहुत जार जार रोते हैं उसके लिए, ये उसका अनाज है और वो सड़कों पे फेंका जाएगा, वरना गरीब तलाशा जाएगा विदेशों में, भारत में गरीब नहीं है ऐसा लगता है। पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से भारत की गरीबी खतरनाक है और भूखमरी उससे भी खतरनाक है। बच्चे हमारे नौनिहाल जो हो रहे हैं उनको समुचित भोजन नहीं मिल पा रहा है। क्या इसके बावजूद हम कहेंगे मेरा भारत महान है? मेरा भारत महान तभी होगा ना जब उसके पेट में अनाज जाएगा। क्या वजह है कि हमारे भारत महान में अनाज सड़ रहा है लेकिन हमारा नौनिहाल ठूंठ पैदा हो रहा है, नाटा पैदा हो रहा है, आयु के हिसाब से दुबला पैदा हो रहा है, आयु के हिसाब से वजन उसका कम है, स्टंटेड बच्चे पैदा हो रहे हैं, वेस्टेड बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो भविष्य में अच्छे नागरिक नहीं बन सकते अगर यह स्थिति रहेगी तो, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियां होंगी इस स्कैर्सिटी की वजह से। इसके बाद भी अगर आपको लगता है मेरा भारत महान है तो आपकी सोच आपको मुबारक, लेकिन एक बार जरूर सोचिएगा इन आंकड़ों पर, और ये आंकड़े सरकार के हैं या इंटरनेशनल मकबूल संस्थाओं के हैं, ये हमारे अपने नहीं हैं। आज के लिए इतना ही।